देखो आपको मैं दिखाती हूँ, मेरी माँ ने मुझे जो बेरी का ट्रखाला दिया था ना, इस घास से निकल के हम लोग जरा जब मम्मा यहाँ कुछ काट ना जाए यार। ये देखें जनाब, ये मेरी बेरी है और ये कह रही है कि इसके ऊपर बेर लगे हुए हैं। ये आज गंजी बनी हुई टिंडी अंडी खोलो दिखाओ ऐसे जो मसाला अच्छा लग रहा है ना वो मसाला डाल दो। ये देखें अब इसमें जिसके हाथ में जो मसाला आ रहा है वो डाल रहे हैं। मुझे पता है मम्मा वो शूटों पे गाड़ी चला के जाए, गाड़ी चला के जाए और मैं ऊपरों पे धक्के खाऊं। चल गुड का मॉर्निंग, मॉर्निंग का गुड, वेलकम टू सिस्ट्रोलॉजी, दिस इज मी इकरा कवल और ये मेरी एक अदद बहन यहाँ पे। ये लड़की जो कि स्कूल से वापस आ चुकी है और इसके नखरे नहीं खत्म हो रहे हैं। जी क्या चाहिए आपको? फिर आपने आपको बताया कि शूट का गलती से इसको किसी ने शूट में कास्ट कर लिया गलती से इस लड़की को, ठीक है? और ऐसे क्यों कह रही हो? क्योंकि गलती से कास्ट हो गई है। बेर से भरी हुई बेरी दिखाती हूँ, चलते हैं हम बेर की बेरी देखने। गुड का मॉर्निंग, मॉर्निंग का गुड। यहाँ देखे जनाब इसका शूट चल रहा है और ये देखे। अच्छा बेरी देखने जाए, आ रही हूँ मैं, अब आपको रखती हूँ बेटा यहाँ, आपके साथ मैं आके निपटूंगी। आज मेरे ब्लॉग का नाम है गुड का मॉर्निंग, मॉर्निंग का गुड। ये सबने कमेंट में बोला है मॉर्निंग का गुड, गुड का मॉर्निंग, क्योंकि जितनी अच्छी मॉर्निंग उतना अच्छा दिन। चलते हैं यार, मम्मा अब जा नहीं रही है। आलू रख लेना, काम तो कर लेना। देखा, एक तो अम्मियों ने वादा कुछ किया होता, ये देखे आज हमारे घर आलू उबलने लगे हैं। आलू की शमी बनेंगी, आलू की टिकिया बनेंगी आज। हाँ जी ओके जानू, आज जानू ये देखे निकलेंगी पर्दे के पीछे से। मम्मा अपने किनो लेके निकली है यार, वेरी नाइस। चले आए जी मेरी मम्मा के साथ, हम चलते हैं बेरी देखने। बेरी मम्मा यहाँ से कितना दूर है? कितना दूर है? थोड़ी सी दूर। बोल ही नहीं रही है, आगे से कह रही है थोड़ी सी दूर है। वो देखो आपको मैं दिखाती हूँ, मेरी माँ ने मुझे जो बेरी का ट्रखाला दिया था ना, इस घास से निकल के हम लोग जरा जब मम्मा यहाँ कुछ काट ना जाए यार। ये देखें जनाब, ये मेरी बेरी है और ये कह रही है कि इसके ऊपर बेर लगे हुए हैं छोटे छोटे। पका कहाँ से हुआ? तोड़े ये पका हुआ तोड़े मम्मा कांटे लगे हैं जनाब। ये देखें ये बेर है जो के हल्की आंच पे, मतलब मुझे मम्मा ये क्या करी जा रही है? फंस गई मेरी मम्मा, फंस गई है। दो बेर तोड़ के, अब ये दो बेर धोके तो खा के ट्राई करते हैं कि अगर ये मीठे हुए तो फिर तो सही है, यहाँ पे मैं आके तोड़ा करूँगी, अगर नहीं हुए तो फिर तो मैं आपको भी नहीं आने दूंगी। चले वापस आए हैं, अब ये दिखाने लगी थी आज का सबसे बड़ा सुगात, छोटे छोटे मोटे दो गोल बेर। मम्मा क्या कह रही हैं? गुलाब के फूल भी दिखा दो। अच्छा गुलाब के फूल भी आ जाए, अब आपको दिखाते हैं मेरी मम्मा का बाग। ओरिजिनल गुलाब है, ओरिजिनल है, ओरिजिनल देसी है, जो मैं आपको दिखाती हूँ जरा सब वगैरह। This is called original desi गुलाब का फूल। एक मिनट, खुशबू इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। जो कहते हैं ना कि what is difference between love and likeness, तो love का जो फ़र्क होता है कि आप इसको पानी डालते हो और जो लाइक होता है वो आप इसको तोड़ लेते हो। तो ये एक फ़िलासफ़ी मैंने कहीं पढ़ी थी, मैंने आज आपको भी इस फूल को देखे मुझे याद है, मैंने आपको भी सुना दी। बट देसी गुलाब की खुशबू बड़ी अच्छी होती है, तरोताज़ा करती है। मेरी अम्मा अपने येलो पीले फूल दिखाते हैं जी, अब आपको पीले फूल दिखाते हैं। ये हैं हमारे पीले फूल, आज दो बेर, पीले फूल, लाल फूल। ज़िंदगी में आपको याद रहेगा कि यार धूप भी धूप है साथ, कि हम लोगों ने आज थोड़ा सा अपने बागबानियाँ की हैं। क्या कह रही हैं आज? कह रही हैं कि सारी नस्लें आज ही दिखा दो। ये देखें ये हमारा जुड़वा, जुड़वा, वाह ये ना एक पौधा, इसमें इस कलर के भी लगते हैं और येलो भी लगते हैं। अच्छा मतलब लड़का भी होता लड़की भी होती है। ये पौधा की दो फूल देते हैं। नाइस। चलिए हम जरा मानो के साथ थोड़ा सा प्रैंक करते हैं। मानो प्रैंक कर रही हो, मैंने सुन लिया। नहीं, आई हैव समथिंग फॉर यू। आपने
मुझे आज किसी ने कहा कि आप स्मार्ट हो गई। वाओ, एक तो खातून को कोई ये कह दे मेरे पास कुछ है। स्मार्ट हो गई। हाँ, बहुत स्मार्ट पतली पतंग लड़की। आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये क्या? बेर है, टेस्ट करके बताओ कैसा। मम्मा ने तोड़ा, करो टेस्ट। खा सकते हैं, मैं भी खा रही। देखा, खट्टा नहीं, खट्टा मीठा मीठा मजे का। खट्टा है, कच्चा था। वो ड्राई है, मेरा फेस पूरा ड्राई कर दिया। मानो का मुंह ड्राई होगा, जिसके मुंह को जो है ना वो पानी लगा हुआ है, वो बेर खाने। अपनी चूचियों वाली अलमारी के आगे ऐसे बैठ गई। हाँ जी, क्या फरमा रही थी? आज मैं इतना थक गई हूँ, इतना मैंने लिखा है स्कूल के अंदर, इतना लिखा है, इतना लिखा है, इतना लिखा है कि मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, ब्रेक भी बंद कर दी। तो इसके लिए स्पाइसी नूडल्स की जरूरत है ना? चलाकियां लगाते हुए देखा, ये बदतमीज बच्चे होते हैं। बैठी हुई उसको खोल के और मम्मा को आके ये बोल रही है कि आज मैंने इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, और मेरी मम्मा सिर्फ खाने में मसरूफ है। अच्छा, इसीलिए स्पाइसी नूडल जरूरी है। देख रही आप इनके बहाने। बहुत बुरा था, मेरी बाजू यूं हो गई, यूं थी बिल्कुल। तो जाके सो, रेस्ट करो। ये नूडल्स के आगे क्या कर रही हो तुम? हेल्दी फूड खाओ। हाँ हेल्दी, नहीं ये खाएगी, ये बदतमीज है, और खा के फिर अपना हाजमा खराब करेगी। दांत देखो इसके, अब सही हो गए। इसको भी लगना है कुछ दोबारा। नहीं तुम्हें क्या है अब क्या है? नूडल्स के साथ ऑरेंज जूस कौन पीता है? बाद में पेट में तुम्हारे पेट से पता है, तुम्हारे पेट से पता है क्या आवाज आएगी? चलें ठीक है, मैं भी क्या, वाह मुफ्त में बुलाएंगी। वाओ, मुझे मुफ्त में बुलाएंगी आप? मतलब ये गलत बात की आपने मम्मा, क्योंकि आप काम करती है ना ज्यादा। मम्मा मक्खी ने ना आपकी आंख। This is my hairstyle. ये चुटिया जो कि मैंने बहुत देर के बाद बनाई है। अब इसके पीछे सीक्रेट क्या है जनाब? आई एम यूजिंग चिल्टन प्योर कोकोनट हेयर पॉलिशर सीरम। इसकी सबसे खास बात यह कि आपके बालों को थिक करता है। आप इसको अपने डिजायर के मुताबिक जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वक्त स्टाइलिंग की हुई है अपने बालों की। और आप इसको डैम्प हेयर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई हेयर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। और इफ यू वांट टू परचेज योर्स, तो आप इसको जो है वो 10 एस्ट्रोलॉजी कोड के साथ खरीदें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और 10% डिस्काउंट एंजॉय करें। थैंक यू। सो हिराज गई हुई थी शूट पे, अंदर आओ तुम, क्या टिंड बन के आई? वापस आओ, वापस वापस गंजू। ये आज गंजी बनी हुई टिंडी अंडी। खोलो दिखाओ। ऐसे ऐसे पता है एक मीम बनी हुई है, जब जी ये देखो, जब मेरी मम्मा, जब मैं अपनी चुटिया खुद करूं ठीक है, और जब मेरी माँ मेरा जुड़ा बनाए, जब मैं अपनी चुटिया खुद करूं, और जब मेरी चुटिया मेरी माँ करे तेल लगा के। हाँ समझो, तेल लगा। हिरा तुम्हारे शूट पे ये लोकेशन थी, मतलब मुंह की लोकेशन। हाँ यही लोकेशन। तुम्हें पता आज हिरा गाड़ी लेके गई थी? मुझे पता है मम्मा, वो शूटों पे गाड़ी चला के जाए, गाड़ी चला के जाए, और मैं ऊपरों पे धक्के खाऊं। कौन से पवन ने तुम्हें धक्का दिया? मुझे इंसाफ चाहिए यार, ये तो गलत बात है। वो गाड़ी चला के जाती है और गाड़ी अकेली, मतलब ये बात नहीं है गाड़ी तो मैं भी चलाती हूं, अकेली क्यों? उसे अकेली गाड़ी मिलती है, मुझे अकेली गाड़ी नहीं मिलती। तो अभी छोटी हो ना इसीलिए, छोटी हो यार। ये तो गलत बात है यार, मुझे इस घर में इंसाफ चाहिए। एक बेटी से प्यार, दूसरी से प्यार नहीं। और मेरे से बिल्कुल ही नहीं, मुझे ड्राइविंग एक दिन सिखाई है पापा ने। चल एक गाना मुझे इस लड़की को देंगे। या अल्लाह, इसका मेकअप इसका खराब हो चुका है। आप लोगों को कुछ नहीं पता इसके बालों के साथ हुआ कि आप इसको फौरन धो लेना, नहीं तो बाल टूटेंगे। चिल्टन प्योर का वो सीरम लगाना इसके ऊपर। हाँ चिरा प्यार करवा रही, बड़ी दूर तक लड़ाई करती। कहाँ गई थी ये? गार्डन अकेली शूट पे जाती है जी सर।
अच्छा मैंने आज आपको नहीं बताओ अकेली शूट पे जाती है। हाँ नहीं नहीं साथ दो चार बाउंसर्स जाते हैं, छह चार गनमैन जाते हैं, दो चार पीछे आगे डाले होते हैं और सबके साथ जाती। चलो जी आज तो पहले सारे बच्चे किचन साफ करें। हाँ जी आगे हमारा वो नीट किचन है जो डर्टी किचन हमारा ज्यादा वेलकम कब का। चलो चलो डालो चीजें डालो। मैं भी हो गया। अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मिर्चे हैं और ये धनिया है, ये जीरा है और ये नमक है, ठीक है। और इसमें हमने क्या क्या डाला ये सबको पता है कि मिर्चे हैं, जीरा ये नमक है। हाँ डालने तो वाली ये चिकन की दुकान है। ओ माय गॉड जूटो की दुकान आपको मैंने दिखाया था ना सोती भी कैसे। चल चल चिकन इसके अंदर डाल। ओ माय गॉड वो ये चिकन के रेशे हैं और ये प्याज कटी हुई थोड़ी सी हरी मिर्चे हैं और ये धनिया है, ठीक है। अब इसको क्या करना मामा सारा कुछ इसके अंदर डालना। हमें कंपटीशन करना कि कौन कितनी ज्यादा बनाएगा। हाँ वो ऐसे पुटुम 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 वो तो बाद में है, पहले शामिल करो जो जीता उसको क्या मिलेगा। यार चीजें डालो पहले उसको 10 rupees बाय मनी ऑर्डर। पहले इसमें बताया कि नहीं पहले चिकन डालो इसके अंदर। एक मिनट पहले मामा इतनी उतावली होने की कोई जरूरत नहीं। खाई जा रही है राबिया इंसान बन अब चिकन भी डाल दिए चिकन प्याज भी डाल चिकन और मिर्च पूरी डाल दूं ये हाथ ना डालना फिर मिर्च इसके अंदर किसके अंदर इनग्रीडियंट के अंदर ये डाल के हाथ ना डालो मिर्चे एंड पे डाल देनी तो नहीं हाथ नहीं डालना उसके साथ मिक्स करो इसके साथ। मैंने तो आपको छोटे से देखा था आप उसके साथ मिक्स करती थी हाथ के। चल अब इसमें मसाले डालो। अच्छा नहीं तो राबिया को साथ वारा गद्दी के लिए रखा हुआ है। अच्छा पहले मैं इधर आई थी तो मुझे लगा ये ना आलू का वो बना के रखा है इसको भी अंदर ऐड ये यार खोली लेकिन ये तो हलवा निकला यार राबे हलवा बाद में खाना पहले काम कर। अच्छा मम्मा कितने पैसे देंगी। दो रुपए। अच्छा मिर्चों का डिब्बा खुल नहीं रहा और पैसे दूंगी कितने दूंगी। मामा कितने चम्मच 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 पकड़ो इकरा चम्मच पकड़ो ये दादा जी खान को कहां कहां नहीं ले जाता काफी है डाल दो। फातिमा उसे भी बड़ी बला है चिकन डाल दिए। अब नमक डालो ओहो 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 ध्यान से राबिया ध्यान से मिक्स कॉम्बिनेशन होते हैं ना तो ये ध्यान से मिक्स किया जाए। कितना दिखाओ डाल दो है कॉम्बिनेशन होता है तो ये बना के देते हैं ना के यहाँ कोई चम्मच नहीं कुछ नहीं जितना दिल चाहे डालो और टिकिया मजे की खाओ। ये क्या है जीरा इसको थोड़ा हाथ पे मसल के डालो। मैं कल कॉलेज भी ले जाऊं कैसे ऐसे मैं कल सैंडविच बना लूं। हाँ ओके चलो बस बहुत है मुझे तो इतना अच्छा लगता है जीरा किसी भी चीज में धनिया तो डल गया है इसको मारना नहीं है यार ये काम नहीं मैं भाई ये तो वो बन ही नहीं रहा जो सुगात हमने तैयार करनी थी। नहीं तुझे होता क्या है सिर्फ खाया पिया जाता है। मैं तो नहीं कैसे होगा। हाँ राबिया हाथ में मिर्च लगेगी। अच्छा नहीं मिर्चे तो हमने डाली नहीं हाँ पता लगे ना मैंने देखा है नहीं तो अल्लाह की कसम मैंने और फिर अल्लाह की कसम मैंने धोया मैंने भी धोया अभी अभी जब शुरू हुई थी ना हमारा व्लॉग मैं तो मैंने मस्कारा लगाया था जब तो फिर मेरे हाथ पे ब्लैक ब्लैक लगा तो मैंने हाथ धोए थे। मास्क पहनना नहीं जल्दी नमक पकड़ो। नमक मम्मा ठीक है टेस्ट करें यार ठीक हो गया चले अंदर साबुन अनारदाना नहीं डालना। हाँ अनारदाना पर वो खत्म हुआ पड़े ये क्या बात है उसी में तो मजे की बनती है। चलो अब गोल गोल करने का कंपटीशन होना एक मिनट स्टॉप कर दो। नमक हाँ? डाल दिया। हाँ ये कैसे है चार अब चखना इसी हाथ से चखने ना लग मैं चार में डालना किसे डालना ये कैसी टिक्की है इतनी गंदी। अच्छा भाई टिक्की गंदा मत क्या है क्या हुआ तुम्हारे बालों को। मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं गुड हेयर डे गुड फुलाऊ हेयर डे अच्छे लग रहे हैं। मेरी मम्मा सासा टेस्ट करी है मैं तो भाई थक गई थी तो वो गोल गोल मतानिया बना के यार थोड़ा लेमन डाल दो यार जो मसाला अच्छा लग रहा है ना वो मसाला डाल दो। ये देखें अब इसमें जिसके हाथ में जो मसाला आ रहा है वो डाल रहे हैं चूरन लग रहा है मुझे कि राबिया खट्टा खट्टा करी जा रही है।
टाटे दिया इसमें वो मसाला मिर्च वाला। मम्मा मिर्ची ना डालना है मसाला टाट। चलो जल्दी जल्दी बनाओ, बड़ी भूख लगी अब तो। अब तो उतारने को किसने कहा था ग्लव्स? अभी मैंने और आप बनाने हैं गोल गोल टिक्कियां, मम्मा ने मिक्स करके हमें कहा, हमें मम्मा कहते देसी हो रहा था। तुम्हें पहले कौन सा कोई अंग्रेज समझता है? नहीं मतलब के लोग ये कहते कि इसको तो कोई काम नहीं आता, पर मुझे बड़ा काम आता है। सर आपकी स्पेशलिटी किस काम में सबसे ज्यादा? मेरी स्पेशलिटी कि मैंने से बोला सही नहीं जाता। मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं वीडियो में बड़ी अच्छी बनाती हूं, एक्टिंग कर लेती हूं अच्छी। और मैं व्लॉग्स नहीं, आप व्लॉग्स तो आप कहते हैं गाना सिंगिंग का। वाओ गाइस सिंगिंग, और अभी मेरा कौन सा गाना गाने का दिल चाह रहा है भला? ये जो है ना बेसन है मम्मा, ये बेसन इसको ऐसे करेंगे, अब इसको राबिया जो है ना वो घोल रही है अच्छे से। मैं बड़ी गांव वाली लड़की, मुझे इजी ना लेना, मैं इस हाथ से थप्पड़ पड़ा ना किसी का कल आ गया। हां 2.5 किलो का हाथ है ना तुम्हारा सर। अच्छा माने वापस, अब हम लोग बेसन वापस डाल। हमारी इतनी अच्छी रेसिपी ना शेयर करो, बातें करेंगे। नहीं नहीं वे बेसन हम मोटी बनानी है कि पतली पतली बनानी है? पतली पतली। अच्छा ये बेसन वापस इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो ना, पहले एक चीज जरूरी याद रखिएगा, सबने हाथ धोना बहुत जरूरी है। हाथ धोए बगैर कुछ किया धोना है, मेकअप भी करना है। मैं तो मेकअप किया ही, देख लो दिखाया। हाँ ये देखो लाल लुच्चा बनी हुई हो। ये तो चाहिए देखे गोल मोटी टिक्की मेरी आइडिया मेरी मम्मा। ये देखो चलो जी चलो रख दो तीनों, सबसे प्यारी मेरी है। रब्बे की सबसे बुरी है मेरी, तेरी मोटो है, मजाक उड़ाने में मम्मा। नहीं मेरी ठीक तो बनी है यार मम्मा, मैं अभी मोटी इतनी करूंगी उतनी अच्छी कम लगेगी, क्योंकि अंदर से पकती नहीं है, ठंडी आ जाती है, फिर फ्रिज में रखो दो, आपको नहीं ना पता। अच्छा बारीक बारीक थोड़ा कम भी मटेरियल, साइज एक ही होना चाहिए जी। ओके ये ना फिर मम्मा घर में बनाए, एक बच्चे को ज्यादा बड़ी मिले, कोई मोटी कोई छोटी कोई पतली कोई ठिकनी कोई लंबी कोई पतली कोई कानी कोई मदानी कोई टूटी। टिकियों की बात करे हैं, कुटियों की नहीं। आप कैसे मम्मा? अच्छा वैसे टिकियों के मवाद की बात है कि हाय हाय कि ये आप ना आपको खाने में कच्चा भी बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि बॉईल आलू होते हैं ना, इसके आलू के पराठे भी बड़े मजे के बनते हैं। ये जो इंसान वीडियो बना रहा है वो बड़े अच्छे से समझ सकता है इसका टेस्ट, क्योंकि वो उसके मुंह में पानी आ रहा है जो वीडियो बना रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि वो अपने आप को दिखा रही है फूले बालों शीशे में दिखा रही थी, दिमाग में सोचा था कैसे दिखा दे, देखा शीशा आ गया। मम्मा देखे मम्मा मैंने बिल्कुल परफेक्ट बना लिया। ओके तो अब जो है वो एक डिश और लाओ, ये आलू मोटा हो गए, मैं खा रहा हूं, मैं थक गई हूँ पकड़ पकड़ के। चलो बस क्या बनाया तुमने? हम तुम्हारी भी सबकी भाई, हमारे एस्ट्रोलॉजी फैंस के लिए ये दिल है। अब हम जब इसको खाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। और ये देखा ना ये मजा सबको, कौन कौन ये हरकतें करता है, ये जो इस तरह की चीज बन जाए और उसको खा लेता है। और इसके बाद कचरा देखे, कचरा रानी हो गया इस वक्त। सो फाइनली हमारे नाच की तैयार हो गई है और हम लोग लगे हैं खाने, और मैं आ गई हूँ यहाँ। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़। हम खाना खाने लगे हैं।